नहीं नहीं ब्रो, बर्फ पहाड़ पे है। क्या फस गया। पर ये क्या कर रही है सब चीजें? ये है नीचे सूरज ताल। कैसा लगा तुझे अकेले रिंग रिंग बार ऊपर वाली तरफ चाय पीते हुए? राजमा मिल रहे हैं, दूसरा भिंडी भी मिल रही है। शार्प वाला कर्व आता है, बहुत सारे लोग सीधा चले जाते हैं, हम तो आपको बस दिखाने के लिए जा रहे हैं यहाँ से। अरे सुनो ना, खाना बनाता हो, तेल गरम हो जाता है, प्याज काला हो जाता है, एक बार भाई। हर हर महादेव दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सारचू लद्दाख। आज हम जो हैं लद्दाख को टाटा बाय बाय करने वाले हैं, बिकॉज हम लोग इस समय जो हैं बाउंड्री पे खड़े हैं लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की। सारचू जो है वो लद्दाख एरिया में आता है, यहाँ पे आगे जाके लद्दाख पुलिस की एक बैरिगेटिंग होगी, वहाँ पे चेक पोस्ट होगा। जैसे ही हम लोग वो क्रॉस कर देंगे उसके बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश एंटर हो जाएंगे। दो दिन हम लोग सारचू में ही स्टे किया हमने। ये हमारा रूम है पीछे जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, और ये यहाँ पे ढाबा है, यहाँ पे कि हम लोग खाना वगैरह खाते थे, और ये साथ में ही पीछे जो है यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी था, नहाने की सुविधा जो है बट वो नहीं थी, ओपन में आप नहा सकते हैं। रूम रेंट जो था वो एज सच रूम जैसा नहीं था, बेड सिस्टम रहता है, बट क्योंकि और ज़्यादा टूरिस्ट थे नहीं तो वैसे सिंगल पर्सन पर हेड जो है वो 200 रुपीज़ आपसे लिया जाता है। तो अच्छी जगह थी, खाना पीना अच्छा रहा, और रेस्ट हमने कर ली हुई है। एक दिन रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी बॉडी को, बिकॉज जो गाटा लूप्स वाला एरिया और लाचुंगला वाला जो एरिया था वो वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा थी, तो मेरी जो तबीयत थी थोड़ी थोड़ी ख़राब थी, मेरी चेस्ट जो थी वो थोड़ी सी जाम थी। अभी दो दिन हमने यहाँ पे रेस्ट करी है, गर्म पानी पिया है, चाय वगैरह काढ़ा वगैरह कावा वगैरह पिया हुआ है, तो अब हम लोग ठीक हैं। रूम को करते हैं लॉक। प्रदीप भाई जो है वो निकल चुका है, और जीतू भाई जो है वो 10-15 मिनट पहले ही चला गया हुआ है, तो हम भी निकलते हैं। अब एंट्री तो नहीं करनी सर? और यहाँ से बारा लाचला जो है वो है 33 किलोमीटर, केलोंग बता रहा है 107, बट मनाली 177 कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा। चलो होगा शायद से शॉर्टकट वगैरह हो। आगे एक साइन बोर्ड और लगा हुआ है, वहाँ भी जाके देख लेते हैं। यही है वो ब्रिज जो कि कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। ये पुराना वाला ब्रिज है, आपने पीछे भी देखा होगा कल वाले ब्लॉग में, हर जगह पे नए नए ब्रिजेस बन रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखिए नया ब्रिज लगभग तैयार हो चुका है। आधार कार्ड लीजिए दोस्तों। एंटर हो चुके हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में, पीछे हमने एंट्री करवा ली है। और ये देखिए जो लद्दाख में साइन बोर्ड लगा हुआ था ना, वहाँ पे लिखा हुआ था मनाली 171, और ये है एक्यूरेट मनाली। वो देखिए चंडीगढ़ 532, मंडी 322, मनाली 222 किलोमीटर। ये जो साइन बोर्ड है ना, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा होता है मैक्सिमम हर स्टेट में, खासकर पहाड़ों वाली जो रीजन है वहाँ पे आपको ये डिफरेंस दिख जाएगा 20-30-40 किलोमीटर का। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं समझ आता था, बट मनाली वाले का मुझे पता है क्योंकि एक जगह पे जो है वो रोहतांग पास से होते हुए डिस्टेंस कवर करके बताया हुआ है, और एक जगह से जो है वो अटल टनल से होते हुए बताया हुआ है, तो 30-40 किलोमीटर का डिफरेंस वैसे भी आ ही जाता है। सारचू से निकले हुए 2 घंटे हो गए हैं, और 2 घंटे में हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 16 किलोमीटर, और अभी जो है आगे अगला स्टेशन आएगा, अगली जो लोकेशन है वो है किलिंग सराई करके, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4-5 किलोमीटर फॉर अवे है। मैं यहाँ पर रुक गया क्योंकि नीचे जो है ना पानी दिखाई दिया, और आपको पता ही है 3 दिन से हम लोग नहाए नहीं हैं। आज सुबह ब्रश किया था, हाथ मुंह धोया था, लेकिन अब मन कर रहा है कि नहा भी लेते हैं। पर पानी एक तो तेज़ बहुत ज़्यादा है, फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है उसका, दूसरा मैंने चेक किया ठंडा बहुत ज़्यादा है, और तीसरा गंदा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे नहीं, आगे वाली तरफ जाके कहीं देखते हैं, पहले किलिंग सराय पहुँचते हैं क्योंकि भूख भी लग रही है। पता नहीं क्या हो गया, 2 घंटे में बहुत ज़्यादा तेज़ वाली भूख लग रही है। पानी अभी हमारे पास पड़ा हुआ है, खाना बस खाना है। डिस्टेंस जो है ना वो हमने ज़्यादा कवर कर लेना था, 20-22 किलोमीटर। अभी तक किलिंग सराय हम लोग पहुंच गए होते, पर दिक्कत क्या हो रही है कि बीच बीच में ना हवा बहुत ज़्यादा तेज़ वाली आ रही है, क्योंकि रोड तो अच्छा है, रोड बीच में पैडलिंग हो पा रही है, बीच में पैदल चल पा रहे हैं, बीच में चढ़ाई आ रही है, अभी ऊपर वाली तरफ ये वाला रूट हमें पूरा का पूरा चढ़ना है, पर हवा इतनी ज़्यादा तेज़ वाली आती है ना बीच बीच में, पैडल करो तब भी जोर लगता है, नीचे उतरो तो एक तो ऊपर चढ़ना होता है, ढलान बिल्कुल नहीं होती है, और ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, हवा बीच बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है। अभी देखो दोपहर के 2:30 बजे हुए हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। यहाँ पे पानी का फ्लो देख रहे हो आप, कितना तेज़ पानी है। वो देखो वहाँ पे बारा लाचला का पहाड़ दिखाई दे रहा है, और ये पुराना वाला पुल, वो नया वाला पुल बन रहा है बट अभी उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, और बारा लाचला वहाँ पे पीछे साइन बोर्ड लगा हुआ था, बारा लाचला यहाँ से 14 किलोमीटर। किलिंग सराय तो हम लोग पहुँच गए हुए हैं, बट यहाँ पे खाने का कुछ बंदोबस्त लग नहीं रहा, बट दोनों भाइयों की साइकिल जो है यहीं पर लगी हुई है, तो इस वाले टेंट में तो मैं देख आया, इस वाले में तो नहीं है, मुझे लग रहा है इस वाले टेंट के अंदर होंगे। किलिंग सराय में ये यहाँ पे हमको कैफ़े मिल गया हुआ था, और हमने यहाँ पे अंदर जो है चाय वगैरह भी पीनट खाए, एनर्जी थोड़ी थोड़ी आ गई हुई है, ज़्यादा नहीं आई है। तो अभी दोनों भाई जो हैं वो निकल चुके हैं, हम भी निकलते हैं। ठंड यहाँ पर अब बढ़ती जा रही है,
बारालाचा में जो है ठंड और ज़्यादा होगी। ये पूरा रास्ता ऐसे घूम के जाना है हमको, फिर ये पहाड़ी, वो बारालाचा की पहाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, बट ये आपको लग रहा होगा पास में है, बट यहाँ से जो है 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलिए निकलते हैं, भरतपुर पहुँचते हैं। ये अपने दोनों भाई लोग भरतपुर से 1 किलोमीटर पहले ही यहाँ पे आके रुक गए, एक ने चाय पी ली हुई थी, दूसरे को मैंने उठा दिया। अभी यहाँ पे कुछ नहीं खाना, भरतपुर में जाएंगे वहाँ पे बैठ के कुछ खाते हैं, खाना अच्छा मिलेगा। अच्छा सुन, हमें जो सुबह साइकिल वाला मिला क्या बोल रहा था? हाँ, कह रहा था रास्ते में बर्फ नहीं मिलेगी, सारी बर्फ बर्फ गाड़ी में रख के लेके गए पक्का 100%। नहीं नहीं ब्रो, बर्फ पहाड़ पे है, ये जो बर्फ है ये पहाड़ पे है, रस्ते पे नहीं है। रस्ते के साथ रस्ते पे पहाड़ सिर्फ और सिर्फ जो बारालाचा का मेन पॉइंट है वहाँ पे थोड़ी सी, उसके भी चांस। थोड़ी बोली मैंने उसको जब मैं आया था ना, थोड़ी बहुत बर्फ मिलेगी, वो बोला कुछ नहीं मिलेगा। जब मैं आया था ना बारालाचा में बर्फ नहीं थी रास्ते पे, लेकिन जब बाइक पे मैं आया था तो भाई पैर रखने की जगह नहीं थी, फिर नीचे भी रोड पे बर्फ थी, साथ साथ में मशीन चलती थी। तो अभी तो है रास्ते के साथ। हाँ देखते हैं पहले बर्फ पे नीचे। तो दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे देखने में लग रहा था कि शायद किसी की डेथ होगी हुई है, बट ऐसा है नहीं। ऊपर जो है ना इस वाली पहाड़ी के बैक साइड पे एक ट्रैक है यूनाम करके, तो बेस कैंप आता है पहले। मैं गया नहीं हूँ अभी तक, बट मैंने सुना है, स्टडी किया हुआ है इसके बारे में, कई सारे लोगों ने मुझे यहाँ पे लोकल भी बताया। भरतपुर जब मैं रुका हुआ था, ये रहा सामने भरतपुर, जब मैं यहाँ पे रुका हुआ था तब भी मुझे इस वाले ट्रैक के बारे में बताया गया था। तो ऊपर जो है किसी को, फॉरनर्स हैं काफ़ी सारे, दो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं जिनमें से एक की हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फेफड़ों में पानी भर गया हुआ है, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस बहुत ज़्यादा डेडली होती है समटाइम्स, तो अभी उनको जो है हॉस्पिटल लेके गए। यूनाम ट्रैक के बारे में आपको बता दूँ, तो यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर जो है वो बेस कैंप है, यहाँ पे रुकते हैं। उसके बाद जो मुझे भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि 6 घंटे का रास्ता है ऊपर समिट तक के लिए, और ये जो थे जो बीमार पड़े हुए थे वो बेस कैंप में ही बीमार हो गए हुए थे। अब जब वो बीमार पड़े तो वो नीचे इसलिए नहीं आए क्योंकि वो बंदा राजस्थान के हैं और अकेले हैं, किसी को नहीं बताया, कोई परमिट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, चुपचाप सीधा ऊपर चढ़ गए हुए थे, बीमार हो गया। लकीली 2-3 लोग यहाँ पे साथ में आज सबमिट करने जा रहे थे, तो उन्होंने उनको देख लिया, तो वही सब लोग उनको वापस नीचे लेके आए हैं। तो हम लोग अभी इस समय पहुंच गए हुए हैं भरतपुर में, और ये यूनाम कैफे है यहाँ पे कि मैं पिछली बार रुका हुआ था, खाना भी मैंने यहीं पे खाया हुआ था, बट अभी पता नहीं सब लोग कहाँ हैं। कुछ कह रहे हैं कि सारजू साइड गए हुए हैं, कुछ कह रहे हैं कि लोअर जिंगजिंग बार साइड पर गए हुए हैं, क्यों गए हैं ये पता नहीं, बट एक ढाबा यहाँ पे अभी भी ओपन है, तो वहाँ पे हमने अभी के लिए चाय वगैरह पी हुई है। जीतू भाई और प्रदीप भाई जो हैं वो एग्री नहीं कर रहे आज बारालाचा पास क्रॉस करने के लिए, क्योंकि बोल रहे हैं कि लेट हो गया और 1-1.5 घंटा लग जाएगा बारालाचा तक, उसके बाद जिंगजिंग बार ढलान है, तो ब्रेक पैड जो हैं, लेदर्स जो हैं, वो इन दोनों के साइकिल्स के बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में है ही नहीं है, तो ज़्यादा ढलान आएगी तो रिस्की हो जाएगा, तो अगर 2 बंदों ने वोट कर दिया है तो तीसरे को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ स्पेन के लोग आए हुए हैं और यही स्पेन वालों ने जो है उनको रेस्क्यू किया, ये ऊपर यूनाम बेस कैंप तक गए हुए थे वहाँ पे उसको रेस्क्यू करके आए हैं, और ये भी साइकिलिस्ट हैं, ये इनकी साइकिल देखिए, ये तो कुछ ज़बरदस्त नहीं है ज़्यादा वाली, गियर देखा आगे सिंगल गियर है बिटवीन डीकैथलॉन वाली, डीकैथलॉन उधर होगा कुछ पता नहीं, अभी मेरे को तो जीरो नॉलेज है सबकी, अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चाय पीते हैं। जैसे जैसे मनाली की तरफ पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे वाटर क्रॉसिंग आती जाएंगी, और एक जिंगजिंग बार में वाटर क्रॉसिंग आएगी, लोअर जिंगजिंग बार में बहुत बड़ी। ये वाली जो वाटर क्रॉसिंग है ये नॉर्मल है, दिक्कत है कि हमें शूज़ खोलने पड़ेंगे क्योंकि साइकिल है, चला के तो इस पर जा नहीं सकते, डिसबैलेंस हो जाएगा। चप्पल हमने बाहर ही रखी हुई है, पर यहाँ पर ना साइड साइड पर पत्थर हैं तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी निकल सकते हैं। अभी यहाँ से 2-3 पॉइंट्स और आएंगे बारालाचा तक जहाँ पे कि ऐसी वाली वाटर क्रॉसिंग रहेगी, बीच पे शायद 1-2 पॉइंट ऐसा भी आया जहाँ पे हमें शूज़ वगैरह खोलने भी पड़ सकते हैं। फस गया। जिस रूट से हम लोग अभी आ रहे हैं ये रूट जल्दी बंद होने वाला है, क्योंकि नीचे से जो है ना वो न्यू रूट बनाया जा रहा है और बहुत ही बढ़िया बनाया जा रहा है। नीचे 4 ट्रक्स हैं, 4 गाड़ियाँ हैं, एक वो वहाँ पर छोटी वाली कैंपर वैन गिरी हुई है, 2 ट्रक्स यहाँ पर गिरे हुए हैं, 1 ट्रक यहाँ पर गिरा हुआ है, और एक ट्रक का फेस है वो वहाँ पे गिरा हुआ। यहाँ से जो बारालाचा है वो सामने 600 मीटर आगे रह गया हुआ है, नया वाला जो रूट है ना वो नीचे नीचे से जा रहा है, आगे जाके कहाँ पे जाके करेक्ट होगा वो भी आपको दिखाते हैं, पहुँचते हैं पहले बारालाचा। आ गया जी पासों में पास, बारालाचा ला पास, ऑल्टीट्यूड 4850 मीटर, तो फीट के हिसाब से ना ये 17,000 के आसपास टच कर जाता है। महादेव की कृपा से इसी के साथ हमने एक और पास फतेह कर लिया, और ये आखिरी पास है हमारा लेह मनाली हाईवे का, या फिर आप कह सकते हैं लद्दाख के हाई पासिस, जितने भी हाई पासिस हैं अब ये लास्ट हाई पास था,
इसके बाद भी हम लोग कई सारे पासिस करेंगे। जे एंड के में हमारे बहुत सारे हाई पासिस हैं, बद्री पास है, जलोरी पास है, सिंथन टॉप है, बहुत सारे हाई पासिस हैं। माना पास तो चलो परमिशन नहीं मिलती है उत्तराखंड वाले, बट अभी भी आगे आगे हम लोग बहुत सारे पासिस करेंगे। आज तो नाम ले लेके बोलूँगा, ये क्या है, ये सब क्या है इन पासिस के ऊपर, ये क्या कर रही है सब चीज़ें, ये है क्या, क्या गंद मचाया हुआ है। आज अभी हम लोग यहाँ पे 10-15 मिनट वेट करेंगे, अंदर मंदिर है, मंदिर में माथा टेकेंगे, और ये जितने भी स्टिकर्स हैं ना, सभी के सभी स्टिकर्स मैं अभी यहाँ पे उतारने वाला हूँ। एक तरफ के तो हमने साफ कर लिए, अब इस वाली तरफ के भी करना बाकी है। नाखूनों में पेन हो गया यार, कोई जगह होती है स्पेसिफिक ना ये सब करने के लिए, इनको साफ रहने दो। बहुत बहुत बार चला चला के थक गया हूँ मैं। हर बार की तरह हर जगह पे, हर एक हाई पास पे हमें गाड़ियों में लोड करते हुए, साइकिल लेके आते हुए, देन पास के ऊपर माइलस्टोन के ऊपर खड़े होके ऐसे करके पिक्चर्स क्लिक करवाते हुए बहुत सारे लोग दिखे हैं। और अभी भी आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोग, गाड़ी खड़ी है, कैंपर वैन खड़ी है, तीन तीन चार चार साइकिल यहाँ पे उतारे गए नीचे, और अभी यहाँ पे घुमाए जा रहे हैं, रील्स बनाई जा रही हैं कि हमने कर लिया पास फतेह। सारचू से जितनी हम चढ़ाई चढ़ के आए हैं, और भरतपुर से खासकर जो 6-7 किलोमीटर की हार्ड वाली चढ़ाई चढ़ के आए हैं, अब उसका हमें फल मिलने वाला है। जिंग जिंग बार तक ढलान आएगी, अगर बीच में थोड़ी बहुत चढ़ाई भी आएगी तो ढलान का इतना ज़्यादा फ्लो रहता ना पीछे से कि नॉर्मल पैडलिंग करो। हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब कभी भी ज़्यादा ढलान आती है ना, तो जब ढलान ख़त्म होने लगे तो तेज़ पैडलिंग करो, सो दैट कि अगर चढ़ाई आती है आगे तो वो आधे से ज़्यादा सफ़र आपका कवर हो जाए। और ये है वो रास्ता नया वाला जो कि यहाँ पे आके कनेक्ट होगा अगले सीज़न में रोड, इसीलिए क्योंकि 1-1.5 महीने बाद यहाँ पे वापस से स्नोफॉल हो जाएगा। अक्टूबर मिड में स्टार्ट हो जाता है, समटाइम नवंबर में, वैसे इस साल मौसम का कुछ पता नहीं है, तो जब स्नोफॉल होता है तो उस टाइम पे रोड कंस्ट्रक्शन सब काम बंद हो जाता है। अब देखिए कि अभी मैं जब जून मंथ में बाइक पे आया था ना यहाँ पे, ये पूरा इलाका स्नो से कवर था। ये जो आपको सामने रास्ते दिख रहे हैं ना, ये जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे दीवारें होती थी 10-10 फुट की, वो भी जून महीने में। और ये जो है, ये है नीचे सूरज ताल, सूरज ताल उस टाइम पे पूरा जमा होता है। और सूरज ताल ही नहीं, ये नीचे वाली तरफ ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी लेक है, पूरी कवर होती है स्नो से। और अभी देखो, अभी स्नो है ही नहीं, अभी तो एकदम साफ सुथरा रास्ता है। पीछे भी हमको कहीं पे पानी नहीं मिला रास्ते में, सिर्फ एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आई, क्योंकि अभी सुबह के सिर्फ 11 बजे हुए हैं, हमने 11 बजे ही बड़ा लाचला क्रॉस कर लिया हुआ है। आज लग रहा है जिंग जिंग बार क्या दारचा जिमूर केलोंग, पता नहीं, शायद ज़्यादा बोल दिया। चलते हैं पहले जिंग जिंग बार तक पहुँचते हैं। ये आ गया जी दोस्तों, जिंग जिंग बार। जिंग जिंग बार जो है ना, वो दो हैं, एक अपर जिंग जिंग बार है, एक लोअर जिंग जिंग बार है। ये वाला जो है, ये अपर जिंग जिंग बार है। अभी नीचे जो है एक लोअर जिंग जिंग बार भी आएगा, वहाँ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा था कि जीतू भाई होगा यहाँ पे, चाय कॉफ़ी पी रहा होगा, बट वो यहाँ कहीं भी दिख तो रहा नहीं है, तो इसीलिए हमको जाना पड़ेगा। ये है जी लोअर जिंग जिंग बार, और प्रॉपर जिंग जिंग बार जो है इसी को बोला जाता है। जीतू भाई की साइकिल हमें यहाँ पे दिख गई हुई है, कुछ और साइकिलिस्ट भी हैं यहाँ पे, तो जीतू जो है हमारा अंदर पक्का कुछ खा पी रहा होगा। आइए इसको तंग करते हैं थोड़ा। कैसा लगा तुझे अकेले अकेले जिंग जिंग बार ऊपर वाली तरफ चाय पीते हुए? इलायची वाली चाय पी जाते ने वहाँ पे, 20 रुपए थे मेरे पास। मेरे को बंदे ने बोला आपका बंदा एक चाय पी के गया। हाँ, वो मिलेगा बाइक वाले। अकेले चाय पीने का स्वाद कैसा होता है? स्वाद में भूख लगी, बहुत बुरे हालात रखे थे। पहली बार मेरे को पता नहीं था मेरे पास पैसे पड़े हैं, वो तो मैंने जब पर्स देखा 20 रुपए में चाय का जुगाड़ बढ़ गया। अभी अभी तो नेटवर्क है, गूगल पे चल जाएगा। भूल गया, पता लगा तो यहाँ पर नेटवर्क है दोस्तों, नेटवर्क आ चुका है। और अब आधा 1-1.5-2 घंटा प्रदीप भाई का इंतजार करेंगे, जब तक वो नहीं आता नेट वगैरह चलाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, लाइव करते हैं और चाय पीते हैं। और गूगल पे अब पेमेंट का दिक्कत नहीं होगा, टेंशन नहीं है, अब पेमेंट का कोई भी दिक्कत नहीं है। और इनसे थोड़ा बहुत कैश भी ले लेंगे, अगर देंगे तो। नहीं देंगे लगता अब आगे दिक्कत नहीं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे अभी जो है लंच भी करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ एक तो राजमा मिल रहे हैं, दूसरा भिंडी भी मिल रही है। भिंडी और राजमा। प्रदीप भाई भी दोस्तों आ चुका है, और जीतू भाई जो है वो आगे अभी निकल गया। यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि यहाँ पे ना नेटवर्क आता है, और इसके बाद नेटवर्क अगला जो है वो पेट्सियो वाली तरफ आएगा। तो हमारा जो अब अगला स्टॉप रहेगा वो पेट्सियो है, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेट। अभी बस एक वाटर क्रॉसिंग आएगी,
जो कि शाम के टाइम पे अगर 4-5 बजे की बात करो तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है वहाँ पे। अभी दिन में देखते हैं जाके, क्योंकि अभी 2:30 बजे हुए हैं, तो देखते हैं कि पानी का फ्लो कैसा है। करेक्शन करेक्शन, पैट्सियो यहाँ से 9 किलोमीटर रह गया हुआ है अटल टनल 91, और मनाली रह गया सिर्फ और सिर्फ 124 किलोमीटर। वो देखिए वहाँ तक पक्का रोड है, और ये जो एरिया है ना जिंग जिंग बार डेंजरस वाटर क्रॉसिंग करके, अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे ना तो आपको गूगल मैप पे जब आप रास्ता देखते हैं तो ये वाला एरिया आता है डेंजरस वाटर क्रॉसिंग ऑफ जिंग जिंग बार। बट अभी यहाँ पे बीआरओ ने इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर रखी है, एक तो ये रोड पूरा का पूरा लेवल है। लास्ट टाइम जब मैं 1 महीने पहले बाइक पे यहाँ से निकला था ना, ट्रक तक फंसे हुए थे, क्योंकि मैं रात में निकला था, रात में पानी का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। बट अभी ये जो पानी आ रहा है इसको अंदर ही अंदर से पता नहीं पाइप वगैरह लगा के उस तरफ से बाहर निकाल दिया हुआ है, तो वाटर क्रॉसिंग तो रही नहीं, स्मूथ हो गया एकदम। पैट्सियो करके जो जगह थी ना वो हमने पीछे छोड़ दी, क्योंकि पिछले 12 किलोमीटर से हम लोग नीचे 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 ढलान आ रहे हैं, और जो पैट्सियो लोकेशन आई थी वहाँ से भी ढलान थी, तो वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा था नहीं, आगे ही चले गए हैं सब लोग, तो हम भी निकलते हैं। और पूरा रास्ता ना अभी पीछे तक अच्छा था, ये पीछे एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आई थी, और अब जो है कच्चा रास्ता आ गया, और ज़्यादा नहीं है 100-200 मीटर कच्चा रास्ता, पर इधर से पूरा दिख रहा था, पर अब 3-4 किलोमीटर के लगभग हमको ऊपर चढ़ना है। जब से हमने जिगजिंग बार क्रॉस किया हुआ है ना, तब से गर्मी कुछ लगनी सी लगी है, नहीं तो सारचू के बाद, सारचू में इतनी तेज़ वाली हवा थी, मोरे प्लेन्स पे इतनी तेज़ वाली हवा थी, और ये लाचुंगला पांग वाला एरिया यहाँ पे तो मैं बीमार भी हो गया, अजीब सी ठंड थी कुछ, बट वो सूखी ठंड थी। बारालाचा पास में ना जो ठंड रहती है ना, जो मनाली में समर्स में, समर्स नहीं विंटर्स में जो ठंड पड़ती है, वैसी वाली ठंड थी ऊपर। और अभी जिगजिंग बार से नीचे 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 जैसे ही हमने पैट्सियो क्रॉस किया हुआ है, तब से ना मौसम अजीब सा हो गया है। इवन ये वो लाल वाली हुडी भी मैंने उतार दी, अभी ये जो ब्लैक वाली पहनी हुई है ये भी मुझे लगा टी शर्ट उतारनी ही पड़ेगी। क्लाइमेट जो है ना अब चेंज होने लगा है, 2-3 महीने से बस वो नंगे पहाड़, पथरीले पहाड़, अजीब अजीब रंग के पहाड़, लद्दाख 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 बहुत हो गया लद्दाख। डोमिनार 400 पे हमारी नगीनी पे ले हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया था ना, जब सिर्फ उमलिंगला पास छोड़ के पैंगोंग, तुरतुक, थांग, सियाचिन बेस कैम्प, करगिल हर एक जगह कर ली थी। फिर हमने जब जांस्कार एंटर होना था ना, तो हम लोग लामा यूरू वाली तरफ से घूम के आए थे, पदुमपुर ने कंप्लीट करने के बाद, देन शिंकुला टॉप, वन ऑफ द टफेस्ट टॉप्स, इतना ज़्यादा ऑफ रोड। फिर हम लोग जिस रोड से बाहर निकले थे ना, ले मनाली नेशनल हाईवे पे निकले थे, वो रोड अभी आने वाला है। ये यहाँ पे शार्प वाला कर्व आता है, बहुत सारे लोग सीधा चले जाते हैं, हम तो आपको बस दिखाने के लिए जा रहे हैं यहाँ से। निराग 218 किलोमीटर, ये वाला रास्ता जो है ये जाता है सीधा जांस्कार में, और शिंकुला टॉप यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा पास चलते हैं। यहाँ भी एक नया कैफ़े ओपन हो गया है, ये कैफ़े पहले तो नहीं होता था। तो शिंकुला टॉप यहाँ से बता रहा है 39 किलोमीटर, पदुम 143 होता था, वो वाला रोड भी बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था। चलो कोई नहीं, निकलते हैं वापस बैक वाली तरफ, हमको जो एंट्री करवानी है अटल टनल 67 मनाली 100 किलोमीटर। जैसा ये रूट है ना, हम लोग कल अगर जान मारे तो 100 किलोमीटर कवर कर भी सकते हैं। एंट्री फिर करा ली। ये आ गया जी दारचा का ब्रिज, और दारचा को ना लद्दाख का गेटवे बोला जाता है, हालांकि दारचा से जो लद्दाख की एंट्री है वो बहुत ज़्यादा दूर है, बट वो सारचू वाली तरफ से दूर है। यहाँ से शिंकुला ड्रॉप जाना हो, जांस्कार एंटर होना हो, तो लद्दाख आ ही जाता है, इसलिए दारचा को गेटवे ऑफ लद्दाख बोला जाता है। आज जब सुबह हमने हमारी साइकिल राइड स्टार्ट करी थी ना, तो हम लोग 17,000+ feet पे थे, और अभी जो दारचा है ये 11,000 feet पे है, और अब ऑक्सीजन की जो दिक्कत थी ना वो ख़त्म हो जाएगी। थकान होती रहे, पाँव में दर्द होता रहे, कुछ भी होता रहे, और जो सबसे बड़ी परेशानी थी ना हमको वो थी ऑक्सीजन की, वो दारचा क्रॉस करते ही ख़त्म। अब तो पेड़ पौधे आएंगे, जिस्पा आने वाला है, टेंट ही टेंट। अभी प्लान बन रहा है कि हम लोग दारचा में ही स्टे कर लें, प्रदीप भाई भी हमारा फाइनली आ चुका है। यहाँ पे रुकोगे? नहीं अभी सोच रहे हैं, अभी खाएंगे पहले चाय, हमने पी लिया अभी खा पी के फिर डिसाइड करते हैं कि यहाँ चाय पी। अरे बहुत पहले के पहुँचे हम, 1.5 घंटा हो गया, 2 दिन पहले। प्रदीप फिर से वापस आ, जीतू की ब्लॉग नहीं बना, फिर से घूम क्या, ऊपर से घूम क्या। जब चाय बना, चाय लेके आता हूँ, हाँ एक बार लेके आना पड़ता है, खाना जब बनाता हूँ। अरे सुनो ना, खाना बनाता हो, तेल गरम हो जाता है, प्याज काला एक बार हो और, एक बार और एक बार भाई नहीं होता ऐसा भाई। तो 1 घंटा हो गया हमको डिस्कशन करते हुए कि दारचा में यहाँ पे रुकें या आगे चलें,
क्योंकि यहाँ पे जो बेड्स हैं पर हेड वो 200 रुपीज़ लिए जा रहे हैं। हमने नेगोशिएशन का ट्राई किया बट वो हुआ नहीं, 200 ही है, 600 रुपीज़ ऐसे हो जाएंगे। और 2-3 दिन से हम लोग जो है कैंप्स वगैरह में ही रुक रहे हैं, कैंप्स मतलब हमारे खुद के नहीं, जो भी ढाबा जहाँ पे हम खाना खाते हैं वहीं पे रुकते हैं। तो जीतू भाई थोड़ा कह रहे हैं कि पावर बैंक डेड हैं, चार्जिंग का इशू हो जाएगा, बट वोटिंग सिस्टम चलता है हमारा 3 लोगों का, तो 2 लोग जो वोट करते हैं वही माना जाता है। तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि जिसपा यहाँ से 6 किलोमीटर्स है, वो टाइम अभी 5:40 के आसपास हो गए, 6 बजने वाले हैं, तो 1 घंटा हम लोग और चलेंगे, उसके बाद आगे जाके कोई लोकेशन ढूंढते हैं, होपफुली कोई लोकेशन मिल जाए, अदरवाइज़ ये बंदा हमें बहुत ज़्यादा डांटने वाला है। दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, आपको ना जाने कितने टाइम से सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। जीतू भाई पेड़ पीछे हल्के हल्के दिखने शुरू हो गए थे, छोटे छोटे पेड़ थे, अब तो भाई जंगल, बड़े बड़े पेड़ आ गए। ये देखो यहाँ पे कितने सारे पेड़ हैं। और जैसे जैसे हम लोग अब मनाली वाली तरफ चलते जाएंगे ना, मनाली जब पहुँचेंगे तो इतने लंबे लंबे इतने बड़े बड़े पेड़ आएंगे। पर एक परेशानी वाली बात है, पीछे मैंने आपको दारचा जहाँ पे चेक पोस्ट था वहाँ पे दिखाया मनाली 100 किलोमीटर, यहाँ पे आप देखिए मनाली 140 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये तो भाई क्या चक्कर है? मैं भी यही देखता हूँ, मैं आपको बताऊँ रीज़न। ये जो साइन बोर्ड है ना, ये जो येलो कलर ऊपर हुआ है, ये पुराने वाले साइन बोर्ड हैं, ओल्ड वाले जो रोहतांग पास से होके जाते थे। अभी अटल टनल आ गया ना, तो वो बीच को पेंट करके दोबारा लिख तो कुछ कम लिख देते उनको। हमारा जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो बाकी जगह पे भी लगाना है ना, यहीं पे नहीं लगा सकते। चलिए आगे पहुंचते हैं, जिसपा रह गया सिर्फ 1 किलोमीटर। जिसपा में ये है एक वेजिटेबल्स की शॉप, यहाँ से हमने सब्जी वगैरह ले ली हुई है और आज हम जो है खाना अपना खुद बनाएंगे। जिसपा एरिया जो है ना, अभी तक जितने भी एरियाज हमने ट्रैवल किए हैं ऑल ओवर इंडिया, इतनी बड़ी कैंपिंग साइट है, यहाँ पे मोर देन 1000+ कैंप्स होंगे। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी कैंप्स ही कैंप्स हैं। सुबह हम लोग जब यहाँ से निकलेंगे ना, जिस पास से जिमूर तक जाएंगे, जिमूर से केलोंग जाएंगे, आगे सिसु तक कल ट्राई करेंगे, कैंप्स ही कैंप्स आएंगे बहुत सारे। गेफेल लाखांग मैन सी खांग तिब्बतन मेडिकल एंड एस्ट्रो इंस्टीट्यूट ऑफ द दलाई लामा, ये जो भैया है ना जिन्होंने हमें आज नाइट स्टे के लिए कैंपिंग के लिए लोकेशन दी हुई है, ये भैया तिब्बत से हैं और इन्होंने बताया कि दलाई लामा के साथ इनका कुछ कोऑर्डिनेशन है, वहाँ पे ये मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़्यादातर। ये रहे हम तीनों के साइकिल्स और यहीं कहीं पे बैक साइड पे अंदर वाली तरफ ना जगह है, वहाँ पे हम लोग कैंपिंग करेंगे आज। और खाना आज हमने सारा का सारा ले लिया हुआ, आज हमने राशन ले लिया हुआ, आज हम लोग अपना खाना खुद बनाएंगे, बस दूध लेने जाना है, दूध हमको बैक वाली तरफ मिला नहीं। देखो इधर एक शॉप आती है राशन की, करियाना स्टोर, वहाँ पे जाके हम लोग दूध वगैरह लेंगे। खाना भी आज हम लोग हमारा खुद ही बनाएंगे, आज 2-3 घंटे जाएंगे, तो ब्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें कटफिट करनी पड़ेंगी। तो खाना वगैरह बना के देन रेस्ट करेंगे, ब्लॉग एडिट करेंगे और सुबह फिर निकलेंगे यहाँ से, देख लेंगे कितना जाना है, कहाँ तक जाना है। तो आज के ब्लॉग को जो है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अब कल के ब्लॉग में। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हर हर महादेव।